सेमिनरी हिल स्थित सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर में दंपति का शव पाया गया। वायुसेना में कार्यरत पति का शव फांसी पर लटका हुआ था, जबकि लफाग्रस्त पत्नी का शव पलंग पर पड़ा था। वाकये को लेकर हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और गिट्टी खदान थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। दीपक धनीराम गजबी और पत्नी विद्या सेमिनरी हिल स्थित सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर क्रमांक 360 निवासी थी। दीपक वायुसेना में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत था। विद्या गृहिणी थी। 2 वर्ष से लफाग्रस्त होने के कारण दैनिक कार्य के लिए भी पति और बेटे बेटी पर मोहताज थी। उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए मौत की दुआ मांगती थी। दीपक के अलावा पुत्री प्रेरणा और पुत्र प्रशिक उनकी देखभाल करते थे। बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे के दौरान प्रेरणा और प्रशिक काउंटी पोस्ट ऑफिस गए थे। दोपहर करीब 2:15 बजे दोनों वापस आए तो घर का दरवाजा खुला था। मृतक का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन गिर सके। दीपक फांसी पर लटका हुआ था, उसने सीलिंग फैन को चुली बांधकर फांसी लगा ली थी। अंदर कमरे में पलंग पर विद्या बेहोशी की हालत में पड़ी थी, लेकिन कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने भी दम तोड़ दिया। भाई बहन की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद गजबीय दंपति के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। मृतक है दीपक गजबीय आणि विद्या गजबीय नावाचे, दोघे नवरा बायको आहेत। त्यांचे पती एअरफोर्स मध्ये काम करतात आणि ह्या ज्या महिला आहेत त्या गृहिणी आहेत। तर काल आम्हाला बातमी मिळाली कंट्रोल कोरून, त्यानुसार आम्ही त्या ठिकाणी गेलो। त्या ठिकाणी हे दोघे मृतावस्थेत मिळून आले, त्यांना विवोमध्ये दाखल केलेलं आहे। आता पोस्टमार्टम वगैरे होणार आहे। सध्या प्राथमिक तिच्या मुलाचं जवाब एक नोंद केलेलं आहे आणि मत नोंद करून मतचा तपास चालू आहे। त्यांना आवाज हजार होता, लखवा होता, 2019 पासून लखवा त्यांना मारलेला, आजारी होत्या, एवढी माहिती रेकॉर्डवर आलेली। तरी त्याची दोन मुलं आहेत, दोन मुलं नेहमी असतात, पण हा जो इन्सिडेंट घडला त्यावेळेस ते घरी नव्हते। त्यावेळेस ते तिच्या कामासाठी पोस्ट ऑफिस मध्ये काय ते काम होतं, तर त्याकरता ते बाहेर गेलेले, ते आल्यानंतर त्यांना ते कळालं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।